बॉक्स में टाइप करें एंड अरुण सर का वेलकम करें, एंड आपको वो आज सोशल मीडिया के टिप्स और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे कैसे काम करना सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? तो वेलकम अरुण सर, आप सभी लोग चैट बॉक्स में अरुण सर का वेलकम करें जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर मैं स्टार्ट करूं? या आपको असर होंगी, आप स्टार्ट करो। राइट, हाँ सर, जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। या सर स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है अरुण जी, विजिबल है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आज जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इसको यार अगर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, राइट? आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, देन डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। इसके लिए मुझे आप लोगों से 1 महीने का चैलेंज चाहिए। 1 महीने में जो जो बोलूंगा ना आप लोग उसको करोगे और रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और कैसे आएगा आप खुद इस चीज को समझ सकते हो, राइट? जब मैं इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आपको ना, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से और क्या बताया है और कैसे आप इसको करोगे, राइट? तो यार, सबसे पहले एक अभी सेकंड मैंने, हाँ एक सेकंड सर अरुण जी, वेट 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 यार, जल्दी वेट। जी सर, तो कितने लोग तैयार हैं 1 मंथ चैलेंज को लेने के लिए? कितने पर्सन जो अरुण सर बताने वाले हैं वो कंटिन्यूअस 1 महीने के लिए करने वाले हैं? और मुझे कुछ ज्यादा टाइप टाइम नहीं मी चाहिए, जिनको भी ये अप्रोक्स चैलेंज एक लेने। से 1.5 घंटे पर डे का आई चाहिए। एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर दैट। चलो, आई होप सारे लोग ने कमेंट बॉक्स में टाइप करा। राइट, चलो। एंड विक्की, आई होप विक्की मीटिंग में है, या विक्की सिंह राजपूत, या विक्की, आप अपना, आई होप आप समझ सकते हो, तो यू कैन, आप अपना वो वाला पोर्शन कर लेना। ओके चलो, और जितने भी पर्सन है ना, आई होप आप लोग नोटबुक लेके बैठो। मैंने भी नोटबुक लिया हुआ है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा मेन पोर्शन अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे अरुण सर की मीटिंग में, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर आप अपने आसपास एक नोटबुक का जरूर, मतलब आपके आसपास जरूर नोटबुक होना चाहिए। ओके, और जो भी हाँ क्वेश्चंस रहेंगे ना, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर दूंगा। जैसे कि पर्सन पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, सोनू सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सोनू सर मैं आपका जवाब लास्ट में दे दूंगा, तो बी इन द मीटिंग, और जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है? या अरुण जी, आप प्रोसीड करिए। हाँ सर जी सर, सबसे पहले मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें आप देखिएगा डायरेक्ट अप्रोच करके लिखा है मैंने, राइट? इस राइट, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग बहुत खराब है। मैं जस्ट आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसको अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है? राइट मैंने यहाँ पे देखिए टोटल 8 सोशल मीडिया के मैंने नाम लिखा हुआ है, राइट? अब राइट, इसमें से ऐसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट, इसमें से मिनिमम 4 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हर कोई यूज करता है, ऑफ राइट? कोर्स, अब हमें क्या करना है ना, इस पूरे के पूरे 7 पे वर्क न करके 4 उठाना है आपको। कोई भी 4 जिसको आप यूज करते हो ना उसका यूटिलाइज करना है इसके लिए। अब वो कैसे यूज करोगे इसको सुनिए। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे है ना, सब में मैंने राइट। क्या लिखा, 10 10 डाल दिया है। 10 10 दैट मीन्स होता क्या है ना, पर डे आपको 10 10 लोगों को अप्रोच। अरुण अरुण जी, एक हाँ सेकंड एक सर, सेकंड, सॉरी सॉरी यार। सो कितने लोगों को ये आठों सातों प्लेटफॉर्म के बारे में पता है? जिनको भी सातों प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, टाइप मी। और अगर किन्हीं को किसी प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है, तो उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अरुण सर दे देंगे कि एग्जैक्टली वो है क्या। चलो साकेत, सबको आई होप बहुत सारे पोर्शंस को नया है। कितने लोग कितने कितने यूज करते हो, मतलब सातों में से कितने लोग सात यूज करते हैं, कितने लोग चार यूज करते हैं, कितने लोग पांच यूज करते हैं? मैं इनमें से, आई होप मैं सातों करता हूँ। राइट, मैं तो सातों करता हूँ इसमें से। स्नैपचैट भी मैंने मैं रिसेंटली स्टार्ट करा है, हाँ उससे भी अच्छी खासी आती है। एंड जो मैंने पिक्चर भी डिजाइन करा था, वो चिल्ड्रंस डे वाला स्नैपचैट का ही कमाल था। ओके राइट राइट, छोटू सर, या चलो, बहुत सारे पर्सन पांच पे हैं एंड छह पे हैं, सात का सात कोई हाँ नहीं करता है। राइट, देन बहुत अच्छा। तो अब देखिए, हाँ सर, या आप बताइए अरुण जी, या प्रोसीड। हाँ सर, अब मैं जो बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज करता है, ये तो या मुझे पता चार तो है। सब, या चार तो सबका, या हाँ स्नैपचैट इसको मतलब कुछ कुछ लोग यूज करते होंगे, कुछ कुछ लोग यूज नहीं करते। तो ये जो 4 है ना अपने पास, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इसमें से 4ों में से किसी एक को उठाइए आप, राइट? अब आपको करना क्या है और कैसे करना है इसको आप सुनिए। सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है 10, राइट? ये वाला जो पोर्शन है मैंने राइट, 10 लिखा है। अब आपको करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अनोन पर्सन की बात करूंगा यहाँ पे, आपके फ्रेंडली फ्रेंड सर्कल की बात ही नहीं करूंगा, अनोन की बात करूंगा और कैसे वो बताऊंगा, राइट? सबसे पहले व्हाट्सएप पे आपको डेली 10 अनोन पर्सन को डीएम करना है कि
क्या डीएम करना है, कहाँ पे जाके कौन से लोगों को डीएम करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, राइट। आप बने रहिए, बस आपको क्या करना है ना, पर डे 10 का टारगेट रखना है व्हाट्सएप पे, 10 का टारगेट आप रखिए फेसबुक में, और 10 का इंस्टाग्राम पे। ये तीनों तो हर कोई कॉमन है, हर कोई यूज करता है, राइट। अब उसके बाद है लिंक्डइन और टेलीग्राम। लिंक्डइन और एक सेकंड टेलीग्राम मैं अरुण यूज जी, करता अरुण जी, हूँ। अरुण जी सर, जी, एक सेकंड। एक जी सर, बंदा सिमरन पूछ रही है कि डीएम, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, आपको डायरेक्ट उनको मैसेज हाँ करना है, राइट, डायरेक्ट मैसेज करना। ओके अरुण जी, एक सेकंड, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये माही साहू जिनके भी डाउनलाइन आए हैं, डाउनलाइन में हैं, मेक श्योर कि यार उनको आप कॉल करो पर्सनली, बिकॉज उनको वॉइस नहीं जा रही होगी, तो आप उनको कॉल कर दें सो दैट उनको भी वॉइस जाए, ठीक है। तो जिनके भी वो टीम में आते हैं, मेक देम, मेक हिम अ कॉल, ठीक है, उनको कॉल कर लें। या अरुण जी आप प्रोसीड करिए, राइट। हाँ सर, अभी देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है। आपको क्या करना है, इसमें 10-10 लोगों को पर डे का टारगेट रखिएगा, पर डे 10-10 लोगों को डीएम करना है। अभी कहाँ पे किन लोगों को डीएम करना है वो मैं बताऊंगा, आप लोगों को कैसे डीएम करना है ये भी बताऊंगा, राइट। अभी देखिए लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट। अभी मैं ट्विटर और स्नैपचैट पे मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम और लिंक्डइन इस दोनों को यूज करता हूँ, तो आप यहाँ पर भी वर्क कर सकते हो, राइट। लेकिन बाकी जैसे स्नैपचैट है और ट्विटर है, इसके लिए आप लोग कहीं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। अभी मैं आप लोगों को एक चीज जो बताने वाला हूँ, इसको देखिएगा। मैंने क्या कहा, सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म को पकड़िएगा आप, 4 प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे देखिएगा, वेट, 4 प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे देखिएगा। पर डे मान के चलो आपने 4 प्लेटफॉर्म में से 10-10 लोगों को आपने अप्रोच किया, तो कितने हो जाते हैं, एक दिन में 40 लोग हुए। अब इस 40 में से मान के चलो हर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं देंगे, और व्हाट्सएप में जो है ना उसका तो इश्यू नहीं है, उसका तो टेंशन ही नहीं, वो तो व्हाट्सएप पे ही है, राइट। तो इसमें से मैंने मिनिमम फिर भी माना 4 ही लोगों को, कि 4 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए कॉन्टेक्ट में, राइट। अब आपको इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब आप वेबिनार दिखाओगे ना, तो मुश्किल से 3% वेबिनार ज्वाइन करेगा, उसमें से 1 कन्वर्ट होगा। ये जो 1% है ना, 40 में से 1% कन्वर्ट होगा। ये सेल्स का नियम है कि देखिए नंबर्स, नंबर्स के गेम है ये जो सेल्स है ना, वो नंबर्स का, कि आप जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे ना, उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, पर डे 40 लोगों को डीएम करना है, उसमें से 4 के व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, 3 लोग वेबिनार ज्वाइन करेंगे, 1 आपके साथ काम करेगा, राइट। अभी देखिए ये जो रेशियो है ना, स्टार्टिंग 1 हफ्ते में कुछ भी काम नहीं करेगा, तो उसके लिए डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं होगा। आप लोगों को जब आपके स्पॉन्सर ने इसके लिए अप्रोच किया था, तो क्या आप तुरंत ज्वाइन कर ले क्या कर लिए थे क्या उनके साथ? नहीं, आपने टाइम लिया था 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, कई कई ने तो 1 महीने भी टाइम लिया है। तो या एक आप सेकंड, सामने, अरुण जी एक हाँ सेकंड, या सर, कितने लोगों ने तुरंत ज्वाइन करा था? आई होप किसी का भी जवाब नहीं, जिन्होंने तुरंत अचीव मतलब तुरंत ज्वाइन करा था उनके अपलाइन के कहने। ओके विक्की सर बोल रहे हैं कि तुरंत, चलो विक्की जी हाँ ओके, विकी किया पर्सनल था, नोटिस पर, राइट। या बिकॉज हम लोग आप लोग पहले से फ्रेंड थे, बट अदर देन हाँ दैट आई होप सब लोग एग्री करोगे कि यार वी वेयर इन अनु, फॉलो अप, हम लोग कम से कम 7 से 8 दिन या मतलब 20 दिनों तो फॉलो अप में थे, देन आपने अपने स्पॉन्सर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट। हाँ तो आई सर, होप यारुण जी अब आप प्रोसीड करिए। हाँ वही है कि देखिए जो पर्सन आपको डायरेक्ट मतलब कनेक्ट है ना, आपके साथ ऑलरेडी पहले से फ्रेंड है, वो तो आपके साथ तुरंत आ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अनोन पर्सन की बात कर रहा हूँ। जितने भी अनोन पर्सन आपके साथ आएंगे, आप इसको अपने पे मतलब ले करके सोचिए कि क्या मैं किसी अनोन पर्सन के साथ एक ही दिन में ज्वाइन कर लूंगा फॉर्स? आज नहीं करोगे, कोई भी नहीं करोगे। सबसे पहले 2 से 3 दिन मिनिमम हर कोई लेगा, और आप, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 1 हफ्ते का टाइम हर कोई लेगा। तो स्टार्टिंग जब आप 1 हफ्ता करोगे ना, तो देखिए 1 हफ्ते का रिजल्ट कितना होगा, 280 लोगों से आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उसमें से 28 लोगों का आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, 7 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। लेकिन ये 1 हफ्ते में नहीं होगा, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग सकता है, क्योंकि लोग पहले अभी कोल्ड कस्टमर है, उसको आपको हॉट कस्टमर में तब्दील करना है, राइट। और उसके लिए टाइम लेते हैं लोग, है ना। तो आपको इस तरीके से उस पर वर्क करना है। आपको क्या करना है, डेली इस काम को करना है, पर डे 40 लोगों का। और मैं अपने टीम को पर्सनली ये चीज बोलूंगा कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि मैंने इतने लोगों को अप्रोच किया और मुझे इतने लोगों का व्हाट्सएप नंबर मिला, मुझे ये चीज चाहिए, राइट। अभी देखिए ये तो हुआ जस्ट 1 हफ्ते का। अब मैं मानता हूँ 1 महीने का ना, तो देखिए 1 महीने का डाटा कितना होता है, 1100, मान के चलो 20 को हटा दो, 1100 लोग होते हैं। 1100 लोग में से 110 लोग मान के चलो आपके व्हाट्सएप पे आ गए 1 महीने में,
राइट राइट अब इसमें से राइट मैंने मैक्सिमम मान के चला 28 लोग, 28 में से यार 50% भी मान लो 14 लोग 1 महीने में आपके साथ आएंगे तो क्या गुना है ये बताइए आपको। ये तो हुआ हाँ जस्ट 1 हफ्ते का या 4 हफ्ते का, राइट। तो आपको क्या करना है स्ट्रेटजी, जस्ट वेट 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 वेट, आई होप सॉरी काफी तो अमेजिंग आपको, था ये तरीका, बिकॉज मेरे को भी अच्छा लग रही है। कोई सॉरी है ना, एक्चुअली कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। ओके नहीं कोई नहीं, ठीक। देन अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखिए मैं जिन जिन प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, इसमें से 6 प्लेटफॉर्म को, नहीं 6 नहीं, 5 प्लेटफॉर्म को मैं यूज करता हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे रिजल्ट आएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, कंटिन्यूअसली 1 महीने आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ये गारंटी है, राइट। और आपको क्या करना है, देखिए अगर आप कोई न्यू पर्सन हो जिसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। यार आपको पता है आपने जस्ट स्टार्ट किया है, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके स्पॉन्सर इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को बता रहे हैं और अपने स्पॉन्सर को कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं तो वो गलत समझेगा, ऐसा कोई नहीं है। सबको पता है यार, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो में रहता है तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 10 कॉन्फ्रेंस कॉल, मैंने उस टाइम भी कहा था जब पिछले वेबिनार लिया था, मैक्सिमम 10 कॉन्फ्रेंस कॉल अपने स्पॉन्सर को दीजिए, अपने स्पॉन्सर को 10 कॉन्फ्रेंस कॉल दीजिए। उस 10 कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैसे बात करना और रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे कैसे करना है एकदम लाइव आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको अनोन पर्सन लेके आना है, एकदम लाइव बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं नहीं जानता, बट यार लाइव बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी देखिए है ना, मैं सबको एकदम लाइव बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, ओके। उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आपको सर्च करना है, राइट, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जाके सर्च कर लीजिए, बहुत सारे साइट आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी शायद आप लोगों ने यूज किया होगा, और मुझे पता नहीं यूज किया है कि नहीं, लाइक आई एक डोंट सेकंड, नो। आई होप किन्हीं को, मतलब मेरे को तो नहीं पता थी ये वाला, कितने लोग को ये स्ट्रेटेजी पता थी, टाइप मी, जितने भी लोगों को ये स्ट्रेटेजी पता थी कि यार वी कैन सर्च ऑन गूगल, हम लोग गूगल से भी, चल विशाल से पता था, छोटू नो, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था। ओके विक्की, यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन, तो या उनके अलावा कोई और, जैसे कि और भी पर्सन हैं, वी आर डाउट, मैं यही चाहता हूँ, वी आर 38 पीपल, जैसा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ अच्छा यार, आई वॉन्ट दैट कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करोगे ना तो यू विल फील, मतलब अपना सा लगेगा, जिस दिन अपना सा लगने लगा ना, तो मैं बता रहा हूँ काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली मैं यही चाहूँगा कि वी विल, मतलब हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी के भी खुशी में, मतलब जो भी क्वेश्चंस रहे ना, तो यू शुड पार्टिसिपेट, आप जरूर अपना फीडबैक दो, ठीक है। तो आई होप मैक्सिमम पर्सन का जवाब नो ही है, तो आई होप बहुत ही अच्छा जा रहा जी, या आप तो बने रहिए मीटिंग में, जितने भी लोग को नहीं आती है ना, मेक श्योर कि आप लोग मीटिंग में लंबे समय तक बने रहे, लास्ट तक आप लोग काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हो आज। देखिए ये जो ग्रुप मैंने एक सर्च किया, इसमें क्या है ना, पार्टिसिपेंट पूरा फुल हो गया है, 257 लोगों का, तो यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसमें बैक आइए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 10 रिलेवेंट ग्रुप फाइंड आउट करना है यहाँ से और उसको ज्वाइन करना है। डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी हो आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे, राइट। यहाँ पर भी फुल है, मैक्सिमम ग्रुप आपको फुल मिलेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल ग्रुप है जिसमें खाली होगा और आपको उसमें ज्वाइन करना है, राइट। जैसे देखिए ये भी फुल है यार, ये भी ग्रुप फुल है, वेट, हाँ जस्ट वेट, है ना। बट अरुण जी, आई होप मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा ऐड कर दूं कि हाँ यहाँ सर, पर हम लोग ग्रुप का तो डिटेल निकाल सकते हैं, राइट? हाँ यू सर, कैन, ऑफ कोर्स, यहाँ तो पे हम लोग हाँ मीन्स ग्रुप में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स, वी कैन फाइंड देयर नंबर्स, हम लोग उसका नंबर तो निकाल सकते हैं ना, राइट? हम ज्वाइन नहीं कर हाँ सकते बट उनका देखिए नंबर। अभी देखिए एक्चुअली हुआ क्या, हो क्या रहा है ना, सारे के सारे ग्रुप पहले से फुल फिल है। मैंने कुछ ग्रुप ज्वाइन किया है, जैसे देखिए ये है पबजी लवर है, राइट, बिजनेस ग्रुप है, पेटीएम कैश है, राइट। ये जो जितने भी ग्रुप है ना, मैंने इसको ऐसे ही ज्वाइन करा है। अभी एक ग्रुप को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए
एक ग्रुप में ना इतने सारे लोग मैसेज करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उस मैसेज को देखना भी नहीं है, जस्ट जाके क्लियर चैट करिए। अब आपको करना क्या है, अपने काम की बात करते हैं यहाँ पे, कैसे करना है और क्या करना है, राइट। यहाँ पे जाइए आप और यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले इंडियन लोगों का मोबाइल नंबर आपको पता चल जाएगा कि इंडियन लोग कौन है ना, इंडिया के लोग कौन है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, है ना, और यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरे इंडियन पीपल है, राइट। यहाँ पे आप पहले प्रोफाइल देखिए, जिन लोगों के प्रोफाइल में फोटो है ना पिक है, उन लोगों को आप डीएम करिए, जेन्युइन पर्सन, बाकी लोगों को मत करिए, सिर्फ जिसके प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक है ना उन्हें लोगों को आप डीएम करिए। एक तरीके से इसको ऐसे कर सकते हो। और सेकंड आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है ना, जस्ट वेट, मैं आपको एक बता भी देता हूँ कि क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, बताइए, जस्ट वेट है, वेट वेट वेट, मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, एक्चुअली या अरुण ये जी है, ठीक है। थोड़ी अरुण हाँ अरुण जी आपके थोड़ी हाँ वॉइस सर, कम आ रही अच्छा ओके सर। देखिए अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट अपना एक पोस्ट, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट लिया था अर्निंग का, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे एक अच्छा सा कैप्शन लिखना है, कैप्शन लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, राइट। मैं कैप्शन लिख के नहीं बताऊंगा आपको लिखना क्या है, इसको सुनिए। यहाँ पे आपको एक्चुअली में मेंशन क्या करना है, आप क्या करोगे, इतने दिन मान के चलो मैंने 35 डेज में 18,000 की अर्निंग करे, तो मैं क्या करूंगा कि उसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, वो थोड़ा सा आप मतलब सोच लीजिएगा। एक्चुअली अभी मैंने जो मैसेज, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया है, आपको लिखना क्या है कि 35 डेज अर्निंग 18,000 थ्रू सोशल मीडिया राइट या फिर थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, डू यू वॉन्ट नो मोर अबाउट इट, जस्ट डीएम मी, डोंट इग्नोर दिस मैसेज, बिकॉज वन स्मॉल स्टेप इस कैन चेंज योर लाइफ, राइट। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा सा, इसके लिए क्या करूंगा ना, मैं जो कैप्शन लिखता हूँ जिससे मुझे रिजल्ट आता है, उसका मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट शेयर कर दूंगा, राइट, कि मैंने कैसा लिखता हूँ, ये जो कैप्शन है उसको कैसे लिखता हूँ। ओके उसके लिए आपको यहाँ से मैं रिजल्ट दिखाता हूँ अपना, जस्ट वेट, व्हाट्सएप पे है ना, वेट 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 वेट, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, ये सारे के सारे जितने भी पर्सन है ना व्हाट्सएप पे, ये सब के सब मेरे साथ ऐसे ही आए, 92 लोगों को। अभी मैंने ये सब काम करना थोड़ा सा इसको काम कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, इसीलिए अभी देखिए जितने भी पर्सन है सब के सब व्हाट्सएप ग्रुप से ही है। और ये कैसे आया है, दो तरीके से, एक तो मैंने पर्सनली किसी को डीएम किया नहीं है, मैंने जस्ट लोगों को जो अपना मैंने बताया था ना स्क्रीनशॉट का, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है, अच्छे से कैप्शन के साथ उसको लिखना है, वहां पे जितने भी लोग होंगे ना इस ग्रुप में सारे के सारे चिल्लर कमाने वाले हैं, आप उसको एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लोग उसको देखेंगे, डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। और वहाँ के जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जब आप उनको मिलोगे ना वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, राइट। तो आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। मतलब एक तो है ये पहला अपना व्हाट्सएप का स्ट्रेटेजी, ठीक है। फेसबुक का तो मैंने बता दिया है आपको, राइट। अभी फेसबुक के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं अपना टेलीग्राम का बता देता हूँ, थोड़ा सा टेलीग्राम का भी जस्ट सेम ही है, टेलीग्राम का आपको बता देता हूँ। उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए हम लोगों को पर्सनली एक मैस मतलब एक पर्सनली वेबिनार लेना होगा, और लिंक्डइन के लिए भी लगभग ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, काफी सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन करा है यहाँ पे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पे अकाउंट बनाइए, और एक चीज याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी, आपको अपना प्रोफाइल फोटो रखना है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको जानता नहीं है, आपको देखा नहीं, तो क्यों ट्रस्ट करेगा, डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको अपना प्रोफाइल फोटो वहां पे लगाना ही है बहुत अच्छे से, जिससे वो उनको ये ट्रस्ट हो कि ये पर्सन जेन्युइन वर्क करता है। देखिए ये मेरा टेलीग्राम का प्रोफाइल है, मैंने प्रोफाइल फोटो लगाया, नंबर वगैरह सारी चीजें है, और मैंने अपना एक बायो भी लिखा है, राइट, ये बायो भी मैंने लिखा है। इससे होगा क्या ना, बायो को लोग देखेंगे आपके, तो आपसे फिर अटैच हो जाएंगे फिर, राइट, मैसेज खुद से करेंगे। मैंने क्या करा, देखिए काफी सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे स्पेशली आप आएंगे जो सर्च बॉक्स है ना, यहाँ पे आप सर्च करना कुछ ग्रुप, लाइक BCA स्टूडेंट, BTech स्टूडेंट है ना, कुछ कॉलेज ग्रुप, या फिर कुछ बिजनेस से रिलेटेड, या कुछ मैक मनी ऑनलाइन, जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, मैक मनी ऑनलाइन के नाम से मैंने ज्वाइन किया है, राइट। ये देखिए मैक मनी ऑनलाइन, 4,000 मेंबर है ना,
ये अपने ही घर है ना, इसमें देखिए मैंने ज्वाइन किया है इसको। आप देखिए यहाँ पे जाइए, आप किसी को भी जो भी ऑनलाइन दिख रहा है, एक चीज याद रखिएगा, ऑफलाइन वाले को मैसेज मत करिएगा। ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर में शो हो रहा है ऑनलाइन कितने लोग हैं, राइट। अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये ऊपर में शो हो रहा है 122 लोग अभी ऑनलाइन है, राइट। आपको क्या करना है, ऑनलाइन जो लोग है ना उन लोगों को फाइंड आउट करना है और वहां से फिर वर्क करना है, ठीक है। आपको देखिए स्क्रॉल करते हुए जाना है, जिनका भी प्रोफाइल अच्छा लगता है, जिनके प्रोफाइल में फोटो हो ना, जैसे अभी तो ये ऑफलाइन है बंदा, राइट, तो इसको ले लीजिए, यहाँ पे जाइए, इसमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, फिर डायरेक्ट मैसेज करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि ही हर्ष, हेलो हर्ष, सॉरी फॉर डिस्टर्ब टू यू ब्रो, स्टार्ट कर दीजिए इतने से। अब सामने वाला पर्सन जब ऑनलाइन आएगा आपको देख करके रिप्लाई खुद ब खुद देगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज करिए, और इसमें जो मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया था ना अर्निंग वाला, उसको भी इसमें आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना व्हाट्सएप पे मिलेगा। आपको टेलीग्राम में पर्सनली लोगों को अप्रोच करना होगा, पर्सनली लोगों को मैसेज करना होगा, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए मैंने इतने सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं, इतने सारे ग्रुप है, राइट, इस सब ग्रुप में मुझे कुछ काम के ही पर्सन है, राइट। जैसे कि मोटिवेशनल पेज मैंने एक ज्वाइन किया है, हर एक में एक याद रखिएगा, आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ आप इस मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन लोग है ना, कौन कौन लोग है, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा, मतलब डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो। तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसमें आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। या तो ये बहुत, हाँ सर, और ये पब्लिक ग्रुप को ही करिएगा, राइट ना, हाँ पब्लिक हाँ ग्रुप को ज्वाइन करें, और प्राइवेट वाले में कुछ मैसेज नहीं कर सकते हो आप, ये भी नहीं है। और पब्लिक ग्रुप को कोशिश करने का कि अच्छे से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, उसमें आप पोस्ट डाल सकते हो पब्लिक ग्रुप में, और प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ उनसे आप चैट कर सकते हो पर्सनली। तो दो एडवांटेजेस हैं, तो आप दोनों का यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस अगर तरीके पब्लिक से ग्रुप आप, हुआ हाँ, तो इस तरीके से आपको फेसबुक, सॉरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज करना है। अभी मैंने जो बताया इसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 1.5 महीने करना है, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप लोगों को क्या करना है, एक और चीज है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए स्पेशली इस चीज को फॉलो करिएगा, जो स्टूडेंट रहते हैं ना, बीएससी बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट बिजनेस माइंडेड होते हैं, इसको याद रखिए, बीई बीटेक वाले स्टूडेंट बिजनेस माइंडेड होते हैं, उन लोगों का मोटिव जॉब करना नहीं होता, उन लोगों का मोटिव बिजनेस करना होता है, और यही लोग इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को अप्रोच करिए जो लोग बिजनेस माइंडेड हो, और बिजनेस माइंडेड पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, मैंने जो बताया ना आपको, जो अपने आपको फेसबुक के लिए जो ग्रुप मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है ना सबको, वही ग्रुप आप इसमें भी सर्च कर सकते हो व्हाट्सएप पे और अपने टेलीग्राम पे, वहां से आपको मिल जाएंगे काफी सारे ग्रुप, आपको डेफिनेटली रिजल्ट वहां से मिलेगा, राइट। अभी हम लोग ज्यादा सारी चीजों को, मतलब सारी चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट इतना ही है, राइट। उसके बाद आप लोगों राइट को स्नैपचैट और ट्विटर, इसके लिए आपको खुद से कुछ करना होगा क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैंने ट्विटर पे जस्ट अकाउंट बनाया है बट वहां पे मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि मुझे इतना उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। मैं लिंक्डइन पे वर्क करता हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इस सब प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ, आप लोग भी करिए। देखिए एक चीज और सोची, मतलब एक चीज मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं जो चीज करता हूँ ना, मेरा एक ये मोटिव रहता है कि जस्ट वेट, हाँ, मैं जो चीज करता हूँ, मेरा एक ऐसा है माइंडसेट कि उसको करते हुए ऐसा है कि मैं सो रहा होता हूँ ना तो भी अपना, मैं बताऊँ आप लोगों को ये चीज हंसी भी आएगा, जब मैं 12th में था ना, नींद में भी मैं मैथ्स बनाता था, राइट। मतलब ऐसा है कि नींद में भी मैं मैथ्स बनाता था, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा इतना, मैं मतलब स्टडी के लिए इतना पागलपन था कि मैं पूरे सीजी में टॉप करूंगा, ऐसे स्टडी किया था, भला नहीं हुआ बट मैंने इतना मेहनत किया था। और ऐसे ही मैं अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ ना उसके लिए भी मैं ऐसे ही पैशनेट हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब आप किसी चीज के लिए जेन्युइनली पैशनेट हो ना, तो आप यार उस चीज को करने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढते हो कि कौन से तरीके से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कहाँ पे मुझे मतलब एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मैं अपना बताऊं तो यूपीएससी की मैंने 2 साल तैयारी किया था, और उसमें मैंने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी टेक्निक यूज किया था कि मैंने 50% अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% कोर्स मैंने कंप्लीट किया था सिलेबस, बट मैंने उसको क्विट किया, और मैंने इस पे अभी जो ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ऐसे ऐसे टेक्निक यूज करता हूँ, कुछ अलग फाइंड आउट करता हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ देख लेता हूँ, यूट्यूब से मुझे कुछ हल्का सा हिंट मिल गया
फिर मैं उसको अपने से कुछ अलग तरीके से यूज कर देता हूँ जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, राइट। अभी मैं मतलब जो 2 दिन था ना हम लोगों का, जो दिवाली का पीरियड, इसमें मैं इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि मेरे टीम को मैं नॉलेज नहीं दे पा रहा था। ऐसा है कि आप लोग अगर किसी बिजनेस को कर रहे हो ना और अकेले भागने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग एक बार एक ना एक दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप पर्सनली डेली अपने टीम से बात कर रहे हो ना, तो आपको ये जो चीज है ना, ये पॉजिटिविटी, वो बहुत अच्छे से मिलता है। आप लोगों को क्या क्या करना है, मैं अपना बताऊं तो अभी भी मैं मतलब ऐसा है कि मैं नींद में रहते हुए भी ये स्ट्रैटेजी सोचते रहता हूँ यार, कि मैं अपने टीम को कैसे अच्छे से बिल्ड करूं और कैसे उन लोगों को अच्छे से ग्रो कराऊं, कैसे एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी उन लोगों को दूं जिससे एकदम ऐसा कैंची स्ट्रैटेजी जिससे उनको रिजल्ट आए। तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ बट जितना हो पाता है मैं उतना ही करता हूँ, राइट। अब ट्राई करूंगा अपने बेस्ट देने का। अभी मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का हम लोगों का स्ट्रैटेजी जो बचा है ना उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से या बताऊंगा। इसके लिए हम लोग स्पेशल वेबिनार अरेंज करेंगे जो कि हम हाँ लोगों का कल होगा, बिकॉज हम जितने भी नए पर्सन हैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हम लोग का जो ट्रेनिंग रहता है वो टीटीएस में रहता है, राइट। टीटीएस में हर रोज 7 बजे हम लोग मिलते हैं, जिसमें कि आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हो या फोर्सेस रिलेटेड हो, कुछ भी हो सेल्स से रिलेटेड, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब हर टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे आपको इसमें जवाब मिलता है, ठीक है। तो मेक श्योर ना कि आप इस जो भी नए पर्सन हैं आप कंटिन्यूअसली इस मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है ना। आप कंटिन्यूअसली इस मीटिंग को अटेंड करें, और बाकी जहाँ पर भी दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग हैं, आपको सारा हाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो जी आई सर, होप एक थोड़ा सा कुछ और आप बोलना है। या बोले बोले सबसे बोले पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आप लोग ने थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे ना अपने पैसे निकालने के लिए आए हो ना, तो यार ऐसे ही अपने आप मिल जाएगा, 2 महीने में अपने आप मिल जाएगा। आप लोगों को टेंशन मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन अगर आप इसमें आ गए हो ना तो थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आपको इसका जो रिजल्ट मिलने वाला बहुत गजब है। पता है एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि आज आप जिस कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो मैं नहीं जानता, राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आप अभी जो प्रोफेशन में काम कर रहे हो क्या वो आपको 2 साल के बाद लाइफ टाइम अर्निंग दे पाएगा क्या, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। और अगर आप फॉर सच को समझ गए तो सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 साल आप इसमें वर्क कर लीजिए, लाइफ टाइम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा पैसिव इनकम का एक एम्पायर आपका खड़ा हो जाएगा ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए यार आपको पेशेंस रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना। देखिए मैं अपना बताऊं तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ लीड्स नहीं आ रहे थे, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, डीमोटिवेट हो गया था, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन मैंने फिर से कुछ ना कुछ सोचा क्योंकि यार मुझे तो करना है। मैंने जो सोच लिया मतलब सोच लिया कि करना है तो इसी को करना है, बाकी कोई भी कुछ भी कहे, राइट। अब करना ही है तो अब कैसे करूं, कुछ तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक यूज करूं, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाऊं जिससे मुझे रिजल्ट आए। मैंने सोचना शुरू किया। अब मैं क्या किया ना, जो लोग जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ इन्फ्लुएंसर भी है, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ। वहां पे उन लोग जो क्या करते हैं कैसे करते हैं वो स्ट्रैटेजी, राहुल भटनागर सर की बात मैं स्पेशली इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताया ना सेल्स के लिए कि कोल्ड कस्टमर को हॉट कस्टमर के में कैसे बदलना है, उस एक लाइन ने मुझे 600 लोगों का लीड्स दे दिया, एक लाइन ने, राइट। तो ये एक लाइन पता नहीं आपके उस एक लाइन वो आपके मतलब जिंदगी में क्या परिवर्तन ला दे यार। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, एक एक छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है लोग इस चीज को ऐसे सोचते हैं कि यार आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और ये जो चीज है ना एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं बता दूं हर चीज एप्लीकेबल है अगर आप लोग इसको करना शुरू कर दो। तो मन से ही पहले से मान लेते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली यार कभी टाइम नहीं रहेगा और आप इसको कर नहीं पाओगे और एक दिन फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो बेटर यही है कि समझ लीजिए। और हाँ वेबिनार के लिए प्लीज टाइम दीजिए। पता है आज मैंने सबको पर्सनली कॉल भी किया था, मेरे डायरेक्ट के सबको कॉल किया, मुश्किल से 5 से 6 लोग जो मेरे डायरेक्ट में है वही लोग ज्वाइन करे हैं, बाकी लोगों ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया। और बोलते हैं कि अरुण भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि अपलाइन से भी इस मतलब स्पॉन्सर से भी आपको स्पिल ओवर मिलता है, आपके टीम से भी स्पिल ओवर मिलता है, बट मुझे तो नहीं मिला है। तो यार स्पिल ओवर मिलेगा डेफिनेटली, बट उसमें टाइम लगेगा। अगर आप काम करना शुरू करोगे, काम करते हुए अर्निंग करोगे ना, तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और इसके लिए आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, नॉलेज नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर सकते फिर। और फिर उसके लिए मैं भी हेल्प नहीं करूंगा। मैं आप कि यार
अगर आप सीखने के लिए मतलब पैशनेट हो ना, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। आप कभी भी कॉल करिए, जैसे ही मैं फ्री हूँ कॉल अटेंड करूंगा। अगर किसी को कॉन्फ्रेंस में बात कराना है, मैं कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा और उस लीड्स को आपके लिए कन्वर्ट करने का जितना भी हो सके बेस्ट रिजल्ट आपको ला के दूंगा। लेकिन आप लोगों से भी मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग भी इस काम को करोगे। डेली 40 लोगों को आपको डीएम करना है, रिजल्ट आए या ना आए व्हाटएवर जो भी हो उसके बारे में मत सोचिए। स्टार्टिंग जब आप कुछ भी चीज करोगे ना, तो आपको यार उस चीज के लिए ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट होते जाता है, राइट। स्टार्टिंग में आप पहले दिन करोगे 40 लोगों को, कोई आपको रिप्लाई नहीं देगा, मैं मानता हूँ कोई नहीं देगा, राइट। लेकिन जब इसको धीरे धीरे करते जाओगे ना, आप सोचोगे यार मैंने इस तरीके से मैसेज किया था तो मुझे रिप्लाई नहीं आया, अब क्यों ना इसको दूसरे तरीके से मैसेज करूं मैं। तो कुछ पता है, ये जो रिजेक्शन है ना, फेलियर, वो आपके ना जो माइंड है ना उसको और इनहेंस कर देता है कि यार अब मैं कैसे करूं जिससे मुझे और रिजल्ट आए। सोचने में मजबूर कर देता है और वही रिजल्ट आपको मिलता है फिर। तो ये जो फेलियर है ना, वो बहुत अच्छा है, वो आपके माइंड को और इनहेंस कर देता है और नॉलेजेबल बना देता है सोचने के लिए कुछ नया। और अगर आप सोचोगे यार मैं तो फेल हो गया इसमें, तो बस रह जाओ फिर वहीं पे, राइट। तो यार बेटर है या कि जो भी अरुण आपको फेलियर मिल रहा है। हाँ सर, बोले बोले बोले, पूरा कर लीजिए हाँ पूरा कर सर, लीजिए या हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आप लोगों को इसमें मतलब आगे बढ़ना है ना, अच्छे से रिजल्ट लाना है, तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 1.5 महीना करिए। मैंने जो आज बताया है, 40 लोगों को, 4 प्लेटफॉर्म को पकड़िए, 40 लोगों को करिए पर डे। और जितने भी व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं ना, उसमें से आपको क्या करना है, मैंने उस दिन बताया भी था आपको, जो ट्रेनेड पर्सन है ना, जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उन लोगों को मैक्सिमम करके उन लोगों को अप्रोच करना है। उसके लिए मैंने ग्रुप भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। कुछ लोग जो न्यू अभी ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को नहीं किया हूँ, उन लोगों को भी मैं कर दूंगा, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ कर दूंगा, राइट। तो आप लोग वहां पे काम करिएगा, आपको जो रिजल्ट आएगा ना बहुत बेहतरीन। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग 10 लोग 20 लोगों को ज्वाइन कराइए, जस्ट 5 लोगों का टारगेट रखिए, 1 महीने में 5 लोग। और वो 5 लोग ऐसे हो कि बोलते हैं ना अनमोल रतन, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे दे। मैं अभी अपना बताऊं तो 20 लगभग 18 लोग ज्वाइन कर लिए मेरे साथ। इस 18 में से 5 मतलब 7 से 8% है जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। खैर उन लोगों का अभी ज्वाइन ही हुआ था, फिर फेस्टिवल आ गया, मैंने उन लोगों को कुछ गाइड नहीं किया है। बट हाँ, इन फ्यूचर मैं सबको अभी पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, राइट। तो हम लोगों को साथ में ग्रो करना है, कोई भी अकेले नहीं चलना है। अकेले चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, साथ में चलना है। सीखते हुए सीखना बहुत जरूरी है, राइट। अभी मैंने काफी सारे लोगों को कुछ कोर्सेज भी दिया है, राइट। जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग का है, कुछ ई बुक मैंने प्रोवाइड किया है। लोग इतना लेजी है कि उस कोर्स को यार ओपन करके नहीं देखे, उस बुक में है क्या उसको ओपन करके नहीं देखे। तो बताइए कैसे आगे बढ़ोगे। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जब तक लर्निंग का माइंडसेट नहीं होगा ना, ग्रो नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ। तो यार सीखना शुरू करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और जो रोशन सर ने, पुष्कर राज ठाकुर सर के जो कोर्सेज दिया है, वो इतना वैल्यूएबल है कि यार अगर उस कोर्स को आप देख लो ना, आपको किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, खुद से सारी चीजें कर सकते हो। खुद से आपको हर चीज फॉलो अप है, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से, सारी चीजों के लिए आपका माइंड खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा। तो यार आप लोग प्लीज वो जो कोर्स है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग का, उस कोर्स को एक बार अच्छे से देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसके लिए पर डे, 1-1 घंटे टाइम दे करके देखिए, नोट्स बनाइए, रिजल्ट डेफिनेटली आपको आएगा, राइट। और किसी का कोई या कंफ्यूजन हो, आई कोई होप डाउट हो बहुत तो। या बहुत ही अच्छा सेशन लिया अरुण जी ने। तो एग्जैक्टली अच्छा, बहुत सारे लोग पुष्कर सर को नहीं जानते हैं, राइट। ओके कोई नहीं, कृष्ण, एक सेकेंड, मैं एग्जैक्टली कौन थे, कृष्णा सर, आपको मैं क्या करता हूँ, आप अपने स्पॉन्सर से टच में आइए, आपके स्पॉन्सर जो भी है आप उनसे टच में आइए, वो आपकी हेल्प करेंगे, कौन है पुष्कर सर और क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को यही रिक्वेस्ट है कि आप उनका दो कोर्स, जो बैंगन इन नेटवर्क मार्केटिंग और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दो कोर्स आप जल्द से जरूर देखें। आइदर आप अपने स्पॉन्सर से मांगे या किन्हीं डाउनलाइन के पास, किन्हीं को भी पास हो, टीममेट्स के पास आप उनका हेल्प ले सकते हो। ओके तो एग्जैक्टली अब मैं क्या कहना चाह रहा था, एग्जैक्टली एक सेकेंड आदित्य जी या अरुण जी, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ सर, ये धर्म ने पूछा कि वो लाइन कौन सी थी राहुल भटनागर सर वाली, तो वो लाइन कौन सी थी। सर वो लाइन था कि आप देखिए उसमें था कि कोल्ड कस्टमर को आपको हॉट कस्टमर में कैसे बदलना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, आप लोगों को फ्री में वैल्यू दीजिए,
लोगों को फ्री में वैल्यू दीजिए जिससे लोग पहले आपको जानेंगे। अब जैसे ही वो आपको जान गया ना, आपके व्हाट्सएप पे आ गया। ये कोल्ड कस्टमर धीरे धीरे करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कुछ लोग ज्यादा भी टाइम ले लेंगे, लेकिन वो जैसे ही हॉट कस्टमर में तब्दील होगा, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ऐसे मैं अपने कुछ लोगों को बताऊं तो, कुछ लोगों को तो मैंने कुछ क्या, मतलब मैक्सिमम जितने भी मैंने 20 लोगों को डायरेक्ट किया, मैं जानता ही नहीं हूँ। 1-2 लोग हैं मेरे पर्सनली कनेक्शन के, बाकी किसी को मैं जानता नहीं हूँ, बट फिर भी सबके सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी का था। मैंने क्या किया, लोगों को फ्री में वैल्यू दिया। मुझे पता है मैंने जो वैल्यू दिया उसको लोग, मतलब ऐसा कि यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, राइट। बट फिर भी मैं उन लोगों को वैल्यू दिया, क्योंकि मुझे पता है यार कि मुझे ये जो जिसको जानता नहीं उससे कनेक्शन बिल्ड करना है ना। मैंने उसको मतलब जो भी था अपना कंटेंट मैंने दिया, अब वो मेरे साथ कनेक्ट हो गया, मेरे स्टोरी को देख रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस को देख रहा है, तो उन लोगों को लगा कि हाँ अरुण कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, देन इसको पूछा जाए। देन वो पूछे, मैंने बताया, हो गया फिर कन्वर्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको वो जो राहुल भटनागर सर ने एग्जैक्ट वर्ड बोला था, आप लोगों की हेल्प करिए, बस बिना मतलब बिना स्वार्थ के लोगों की हेल्प करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा फिर। या आई होप क्लियर हो गया जिनका भी क्वेश्चंस होगा। तो पहले आप फ्री में वैल्यू दीजिए, जो कि सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उन्होंने लॉकडाउन में करा है। एंड राहुल भटनागर सर अगर आप अर्निंग देखने जाओगे तो उनका वेबसाइट हम आप जाकर देख सकते हो कितना उन्होंने टर्नओवर करा है। और बट मैं आपको एक यही बात कहना चाहूँगा ना कि यार कोल्ड कस्टमर को हॉट कस्टमर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि कल परसों, ऐसा नहीं सोचना कि आपको एक दिन रिजल्ट आएगा। ये कोल्ड टू हॉट बनने में टाइम लगता है, तो मेक श्योर जो चार चार प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया ना, जिनके पास यूज करते हैं वेलनगोरा, जो नहीं यूज करते ना वो लोग जरूर से जरूर आज से स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, बिकॉज टाइम लगता है। आपको खुद पता है कि टाइम लगता है, तो आप उसको प्रिपेयर हो जाओ। ये नहीं कि अगर आज बनाओगे कल वो हॉट कस्टमर नहीं बने, हो सकता है कोई 10 दिन में बने, कोई कल भी बन जाए, कोई 2 महीने के बाद बने। टोटली डिपेंड रोशन करता है जी, ना कि आप, हेलो या अरुण जी बोलिए, हेलो। आदित्य जी। मैं पता है आज सब लोगों को ना एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी रोशन जी ने बोला ना, कि बहुत से लोग बोलते हैं अरे चल आज शाम को कर लेंगे, चल कल बोल लेंगे या परसों बोल लेंगे। मैं उन लोगों को बता दूं, मुझे आज सुबह पता चला, जो लोग ये चीज कर रहे हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है। वो लोग समझ ले ये चीज, हाँ एब्सोल्युटली, अभी प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है उनको, बहुत बड़ी बीमारी होती है ये, आप लोग समझ लो। अब जो लोग भी ये बोलते हैं कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, जो काम को टालते हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है ये, या आपकी जिंदगी पूरी खराब कर देगी आने टाइम पे। रोशन सर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूं क्या, जस्ट 1 मिनट? या आपके, कोई नहीं कोई नहीं, आप या कर जी लो। सर, ओके, जस्ट वेट। तो मैं यही कहना था, मोरल ऑफ द सर स्टोरी है स्क्रीन कि विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। मैं लास्ट में ओके, पूरा करूंगा ऐसे, ठीक है ना? आप करो। अभी देखिए जो मैंने कैप्शन की बात कर रहा था ना, वो कैप्शन मैंने इस तरीके से कुछ लिखा है। देखिए कैसे लिखा है, इसको भी देखिए मैंने क्या लिखा। 3 मंथ अर्निंग 47 लाख थ्रू ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग ओनली फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। डू यू वॉन्ट मेक मनी लाइक दैट? पीएम मी, मतलब देखिए मैंने क्या लिखा है, पीएम मी पर्सनल मैसेज, राइट। मतलब लोग इसको पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसे समझते हैं, तो ये होता है ना साइकोलॉजिकली, मतलब उसको डाइवर्ट करता है, वो एक्चुअल में बोल क्या रहा है सोचने लगता है और आपको फिर मैसेज करेगा वो, राइट। तो इस तरीके से पीएम मी फास्ट एंड डोंट इग्नोर दिस मैसेज बिकॉज इट्स 110% ट्रू। और इसको मैंने क्या किया है, बोल्ड कर दिया है। अब बोल्ड करो ना तो लोग विजिबिलिटी बढ़ जाता है इसका। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और मैसेज है, ये देखिए, इसको सिंपल है, इसमें उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको देखिए मैंने बोल्ड अरुण किया जी, है। हाँ सर, एक सेकंड अरुण जी, क्या करो ना कि आप इसको कॉपी करो और चैट बॉक्स में टाइप कर दो, इसको चैट कॉपी बॉक्स कर में, चैट या चैट बॉक्स में टाइप, एवरीवन करके चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सो दैट सारे के पास। और मैं कम चाहूंगा कि सभी लोग इसको कॉपी कर लें, एंड आप लोग इसे जगह जगह पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आप टेलीग्राम पे यूज करो, व्हाट्सएप, जहां पर भी यूज करना आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ इसको आप ऐसे ही मतलब देखिए अर्निंग का, बस यहाँ पर आप थोड़ा भी सा चलो ठीक अकॉर्डिंग है, टाइम कर और दो उसको अर्निंग को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, राइट। और आप जी। इसको अच्छे से फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। वेट, सबको मैं डाल देता हूँ। यहाँ नहीं आदित्य, ये अरुण जी, मैं ये जूम की बोल रहा हूँ, जूम की अच्छा बात कर रहा हूँ, जूम की। अच्छा जूम में, ओके ओके जी या सर, जो अभी लाइव मौजूद है ना, दे विल बी गेटिंग, एंड उन और लोगों को तो मिल ही जाएगा। अच्छा हाँ जी सर, आई होप हमारे इसमें मीटिंग के लिए और का भी है, तो हम लोग के पास थोड़ा टाइम कम है। ओके, या यही बोल रहा था। हाँ चलो सर जी तो सर, सारे हो लोग गया। चैट टॉपिक कर लें, सारे लोग इसे कॉपी कर लें, एंड ये ड्राफ्ट को आप यूज कर सकते हो कहीं पर राइट, भी, इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 3 जगह पर है, तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अरुण जी, आपको और कुछ कहना है? हाँ बस सर, हो गया। मैं सबसे चलो यही रिक्वेस्ट करूंगा पुनीत बस कुछ यार, उसको इम्प्लीमेंट बोलना करना।
पुनीत कुछ बोलना चाहते, हाँ पुनीत पुनीत, घुघरू वाला। या हाँ उनको ही मैं अनम्यूट करूंगा अभी एग्जैक्टली। या पुनीत मैंने आपको अनम्यूट करा है, हेलो, या आवाज आ बोलिए रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए वॉइस क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्लियर है, आ रही है। बोलिए। हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुणित कुमार गुगरवाल दिस साइड। और मैं ना पुष्कर सर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग पुष्कर राज ठाकुर के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपने आप को लेके, अपने डिसीजन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की लाइफ में कहाँ से कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उसके लिए ना मैं सबसे है ना ये रिकमेंड करूंगा कि सभी है ना एक बार पुष्कर राज ठाकुर जी को फॉलो करके देखिए, उनके विचारों को फॉलो करके देखिए। आप अपनी लाइफ में सही से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप बिजनेस माइंडेड हो जाओगे आप अपने आप। या सही यस बिल्कुल सही बात डेफिनेटली। बोला। हाँ दैट्स ग्रेट, क्योंकि दैट्स ग्रेट सर। मैं अपना बताऊं तो मैं उनको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने उसके उनके ना जो 2 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है वो बहुत अमेजिंग था। मतलब स्टार्टिंग के उनके यूट्यूब में जब इन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो डाला था उस टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, और अब का उनका ग्रोथ जो ट्रांसफॉर्मेशन इतना अमेजिंग है कि एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, रियल इंस्पिरेशन है। राइट, तो उनको देखिए उनके यंगेस्ट वीडियोस को। मिलियनर, ही इज अ हाँ यंगेस्ट मिलियनर, सबसे बड़ी राइट, बात क्या है, वो सेल्फ मेड है, राइट। उनका कुछ बैकग्राउंड हाँ नहीं था ऐसा, ही सेल्फ मेड मीन्स खुद से इन्होंने करा था। मुकेश अंबानी क्या हाँ था, उनके पापा खुद थे बिजनेस, बट यार ये सेल्फ मेड है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। रिवाज हम लोग के जैसे था, आप इनका बायोग्राफी देख सकते हो, यूट्यूब पर दिख जाएंगी वहाँ, मतलब हाँ हम लोग मैंने के जैसा ही देखा। था, या बस पे धक्के खाता था जो हम लोग अभी खा रहे हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वो हम लोगों के जैसा ही था कभी वो, बट अभी वो ऐसा है, तो हम लोग भी ऐसा हो सकते हैं, डेफिनेट डेफिनेटली। और उससे कम टाइम में हो सकता है, बिकॉज उसने जो दिक्कतें हासिल करी उसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मेक श्योर आपको जहाँ पर भी कंटेंट मिले उसके उनके रिलेटेड, तो आप उनको कंज्यूम करना बोले स्टार्ट करो, उनको देखो समझो क्या बोलना चाहते हैं ना, एंड इम्प्लीमेंट भी करो। बहुत सारे लोगों को ना, मैं यही बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ना ट्रेनिंग्स देखना, पता नहीं ये नया बीमारी निकला है कि ट्रेनिंग्स देखने में काफी मजा आता है, बट इम्प्लीमेंट करने से बहुत भागते हैं। मेरे को पता नहीं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि देखते तो बहुत है, ट्रेनिंग्स में भी सारे लोग आएंगे हर ट्रेनिंग, बट यार इम्प्लीमेंट नहीं करता वो बंदा। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूंगा, यार ट्रेनिंग देखने से नहीं होता, टोटली मतलब इम्प्लीमेंट करने से होता है। जैसे कि किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ना तो आसान है, जैसे कि फॉरेस्टर में जुड़ जाते हैं बहुत कोई, लेकिन अर्निंग करना उतना ही मतलब उतना इजी नहीं है इन कंपैरिजन टू ज्वाइनिंग। तो मैं यही बोलूंगा ना, मेक श्योर कि यार आप अगर जुड़ते हो ना, तो आप उस सिस्टम में चाहिए क्या, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको वो करना ही पड़ेगा, देन ओनली जाके आपकी अर्निंग्स आएंगी, ठीक है। तो यही था, और ओवरऑल मैं आपको एक ना एक वीडियो दिखाता हूँ आप सभी लोग को, आई होप आप सभी लोग को देखना चाहिए, एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। जो जानते हैं उनको जानते हो, अदरवाइज नहीं जानते तो कोई इशू नहीं है, ये भी एक सेल्स का एक्सपर्ट है। तो आदित्य जी मेरे को बताइए, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? बी एन एक्शन टेकर। काम क्या, इंतजार मत करिए, काम पैदा करिए। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। एंटरप्रेन्योर्स में एक खास खूबी होती है, वो काम का इंतजार नहीं करते हैं, वो काम को पैदा करते हैं। यू नीड टू मूव रियली फास्ट। अपने लक्ष्यों को अपने सामने रखिए और इस लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहिए। बी एन एक्शन टेकर, बी ए प्लान श्योर, बी ए डूअर, नॉट जस्ट अ थिंकर, नॉट जस्ट अ ट्रेनर, नॉट जस्ट अ टीचर। बी आदित्य जी मेरी एन वॉइस, ये वॉइस आ रही थी ना इसकी? चलो हाँ हाँ सर, वॉइस आ रहा था आई सर होप मेरा। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने क्यों दिखाया इसे, राइट। क्यों दिखाया आपको पता चल गया होगा कि यार मीन्स आपको काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली। मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा रहता है ना कि हम लोग जब क्लास मतलब पढ़ाई करते तो लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी ज्यादा लिखा हो, तो मोरल ऑफ द मीटिंग यही रहेगा कि हमें एक्शन यानी काम करना ही पड़ेगा। तरीके ढेरों हैं यार, मतलब मैं आई होप बहुत सारे लोग हैं जिनको पता था सर, मतलब बहुत कुछ पता होंगे बट वो कर नहीं रहते कहीं ना कहीं। तो यार मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी काम है कोई सुनिए, मैं अभी घर पे था, आप लोग देखा होगा कि बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा एग्जैक्टली मैं छत पे हूँ सबसे ऊपर, बिकॉज नेटवर्क का इशू रहता है, फिर भी मैंने मीटिंग अरेंज करा। तो मेक श्योर ना कि यार आप लोग भी काम करो, जो भी काम है घर का, जो घर पे रहते हो करो। और सबसे बड़ी बात कि जो भी नए पर्सन ज्वाइन होते हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मीटिंग को, टीम मीटिंग जो हम लोग का होता है और जो 8 बजे रात में विक्रम सर का होता है, इसे जरूर से जरूर अटेंड करें। बिकॉज आपको अगर फोर्सेस से अर्निंग करना तो फोर्सेस के आसपास रिलेटेड रहना ही पड़ेगा, मतलब आपको आसपास उसके हाँ रिगार्डिंग कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, देन वन ही आप किसी को बता पाओगे इसका रिजल्ट। सर, बोलिए मुझे बोलिए सर दो बोलिए। लाइन, दो लाइन और मुझे और बोलना है। ये बहुत ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलने वाला हूँ। राइट,
आप लोग पता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, लर्निंग पे फोकस नहीं करते। अभी आपको देखिए, आपको ना बुक से स्टडी करना चाहिए, और साथ में अभी जो रोशन सर ने जो वीडियो दिखाया ना दीपक बजाज सर का, पता है वो कौन है? 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब वो जो पर्सन है उन्होंने एक बुक लिखा है, वी आर नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। पता है एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं, बुक से कुछ रिजल्ट नहीं आता, कुछ ऐसा बोरिंग लगता है। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सुनिए। वो पर्सन 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग किया है, और वो उसका निचोड़ उस बुक में, अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में, अपने कोर्सेस में दे रहा है। मतलब आप सोच समझिए इस चीज को, उन्होंने आपका 15 साल बचा रहा है। अगर आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार स्टडी करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में कवर हो जाएगा। उनके 15 साल के जर्नी का जो नॉलेज है ना, 3 महीने में आपको मिल जाएगा। आप सोचो, मैं मानता हूँ 100% नहीं मिलेगा, बट यार 50% भी मिल गया तो आपका कितना टाइम बचा? 15 साल में से मान के चलो 10 साल भी तो बच रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम गलती कर करके ही सीखेंगे? जो लोग ऑलरेडी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, हम लोग जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें ऐसे पुष्कर राज ठाकुर सर है, दीपक बजाज सर है, विवेक बिंद्रा जी है, संदीप महेश्वरी सर है, ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए, उनके स्ट्रगल से उन्हें सीखिए। वो जो अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है ना, उसको समझिए। पता है इससे आपका इतना टाइम बचेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और आप तो इस चीज को छोड़ दीजिए कि अब इससे बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पता है अगर आप देखोगे ना, कई सारे बुक्स है जो मतलब 200 साल पुराने राइटर ने लिखा है, 200 साल पुराने। तो आप इस चीज को देखिए कि जब 200 साल पुराने उन लोगों का नॉलेज कितना था। पता है भागवत गीता, रामायण, इसमें कितना नॉलेज है, और लोगों ने इसको पढ़ा है, उन लोगों ने अपने लाइफ में